नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, एमओ, इसके अलावा वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी के जितने भी पद रिक्त हैं, मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए भरने के निर्देश दे दिए हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, विस्तृत रूप से जानेंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोविड-19 राजस्थान में खाली पड़े मेडिकल स्टाफ के पदों को तुरंत भरने के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए। साथ ही प्रदेश भर में खाली चल रहे पदों को तत्काल भरे जाए मेडिकोच। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात के चलते सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों को लेकर जारी हुआ पत्र, जिसमें समस्त जो पद हैं, जिसमें चाहे वो डॉक्टर के हों, एनएम जीएनएम के हों, एलटी के हों, जितने भी जो मेडिकल डिपार्टमेंट के पद खाली हैं, उसको लेकर सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है और अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद यहाँ पर जारी किए गए हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, जी राजस्थान के फेसबुक पेज पर भी एक अपडेट है, कोरोना रोकथाम के लिए सरकार का अहम निर्णय, मेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भरने के लिए कलेक्टर को पत्र, वित्तीय वर्ष 2021-22 या नियमित भर्ती होने तक की जाएगी नियुक्ति, डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल के खाली पदों को भरने को लेकर यहाँ पर पत्र जारी किया है। अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे खाली पदों को भरने का निर्देश वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद जारी किए गए निर्देश। इसके साथ ही वार्ड बॉय सफाई कर्मी के भी कार्य जॉब बेसिस पर आउटसोर्स से करवाने की यहाँ पर सहमति दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, समस्त जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है और यहाँ पर जो खाली जितने भी जो पद हैं उनको भरने के निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। आप देख सकते हैं, कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सकों, जीएनएम, द्वितीय पैरामेडिकल स्टाफ के स्पष्ट रिक्त पदों को यूटीपी के आधार पर भरने के संबंध में यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं। इन्होंने कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक घोषित करने तथा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण आमजन को समुचित, सहज और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आपके जिले में चिकित्सा अधिकारी, जीएनएम, पैरामेडिकल स्टाफ के जितने भी जो रिक्त पद हैं, उनको कोविड-19 के नियंत्रण तक अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 और राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियम 1965 तथा राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानुसार आवश्यक अस्थायी आधार पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से ये भर्ती यहाँ पर की जाएगी। मैं बता दूं, जो भर्ती है कोविड-19 कंट्रोल तक रहेगी या अगर कोई नियमित भर्ती हो जाती है तो उस तक यहाँ पर ये भर्ती रहेगी। आप देख सकते हैं, यूटीपी आधार पर एमबीबीएस, पीजी डिग्री धारी चिकित्सकों को कोरोना वायरस के नियंत्रण तक निर्धारित दरों पर, यूटीपी आधार पर जीएनएम को एनएचएम द्वारा जारी मानदेय के आधार पर, इसके अलावा वित्त विभाग के जो समय समय पर पत्र व्यवहार और जो सर्कुलर जो आदेश जारी किए उनकी यहाँ पर पालना की जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, साथ ही वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों को भी आउटसोर्सिंग से भरने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए कोविड-19 संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से राजस्थान में खाली पड़े मेडिकल स्टाफ के पदों को तुरंत भरने के यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखा गया है और मेडिकल इमरजेंसी में जितने भी जो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी जितने भी पद रिक्त हैं उन पर भर्ती करने के यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।